देखिए, नियोजन नीति को लेके 2 तारीख का कैबिनेट बैठक रखा गया है, तो आशा करती हूँ कि जो सर्वे पोलिंग हुआ था अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री द्वारा जो सर्वे टेलीफोनिक सर्वे हुआ था, उसका परिणाम में संशोधन करते हुए कि जनमानस का क्या ओपिनियन है, उस ओपिनियन को लेते हुए उसमें संशोधन करते हुए इस नीति को लाया जाए। और मैं संशोधन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें 2 पोलिंग ऑप्शन था, पहला था 1932। मैं नहीं चाहती हूँ कि अभ्यर्थियों को इतना देर इंतज़ार करना पड़े कि सेंट्रल से पारित हो, उसके बाद 9th schedule में जाए और अन्य चीज़। और दूसरी बात रही आपकी 2016 का जो ऑप्शन है, उसमें भी 60% और 40% उसको अगर किसी तरह से सरकार लाती है तो उसमें परसेंटेज को चेंज करने की ज़रूरत है, जिस तरह से यहाँ के जिस तहत यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिल सके, और बहुत सारी चीज़ों को भी संवैधानिक रूप से टाइट करने की ज़रूरत है इस नियमावली में और उसे लाया जाए। आप मतलब कैसा चाह रहे हैं, कैसा नियोजन? यही हमारा पर्सनल सुझाव है सरकार को, क्योंकि 2 ऑप्शन फ्लोट किया गया है सरकार द्वारा, और इसमें हमारा सुझाव मुख्यमंत्री जी को यही था कि जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए। अच्छा। जो परसेंटेज है, जो बाहरी भीतरी वाली जो परसेंटेज जो रेशियो है उसको बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके। और दूसरा चीज़ है कि संवैधानिक पहलू से भी इसको तरीके से बांधा जाए, ताकि कोर्ट में चैलेंज ना हो सके या गवर्नर से वापस ना हो सके। अच्छा, ये क्या पर्सनल आप सुझाव दिए? हमारा ये पर्सनल सुझाव है। अच्छा, मिलकर आपने दिया मुख्यमंत्री? जी जी। अच्छा, क्या बोले? जो आपको मैंने बताया अभी जस्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।